हेलो फ्रेंड्स, आज हम भूगोल की डी आर खुल्लर द्वारा लिखित बुक भूगोल, बहुत ही भूगोल के लिए एक महत्वपूर्ण बुक है। देखो, इस बुक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बुक के अंदर हर एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। इसके कवरिंग बहुत शानदार है, इसके पेज भी बहुत अच्छे प्रिंटेड किए हुए हैं। काफ़ी इसके आप देखने पर ऐसे काफ़ी ज़्यादा मोटाई लग रही है, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें वज़न भी नहीं है, काफ़ी हल्के अच्छी क्वालिटी के पेज है इसमें। वैसे मुख्य परीक्षा के लिए है, लेकिन ये बुक है आप UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके समतुल्य जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। इस बुक के हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। अपने DR खुल्लर सर द्वारा निर्मित बहुत ही फेमस बुक है ये भूगोल की। तो इस बुक में जैसे विषय सूची में सबसे पहले देखो, भू आकृति विज्ञान जियोमोर्फोलॉजी, लगभग सारे टॉपिकों को इसमें कवर किया गया है। सेकंड है जलवायु विज्ञान, और अपना तीसरा टॉपिक है समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण भूगोल, मानव भूगोल में संदर्श, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, मानव भूगोल में मॉडल सिद्धांत और नियम। देखो, ये बहुत ही शानदार इन्होंने 10 नंबर पॉइंट दिया है, जिसके अंदर आपके जितने भी मॉडल्स वगैरह है वो सारे उन्होंने एक साथ मॉडल्स को दिखाया गया है। जब आर्थिक भूगोल से संबंधित, कृषि भूगोल से संबंधित जितने भी मॉडल हैं उनको एक साथ उन्होंने दिखाया, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर जो जो पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट के अंदर इसके अलग अलग टॉपिक है, भौतिक विन्यास, संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार एवं व्यापार, सांस्कृतिक विन्यास, बस्तियाँ और प्रादेशिक विकास एवं आयोजना, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, समकालीन मुद्दे, जितने भी समकालीन मुद्दे हैं उन सबको एक साथ संग्रहित किया गया है। और यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक का क्वेश्चन के हिसाब से श्रृंखला बनाई गई है कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर पेज पे है। तो ये किताब मैंने पढ़ी, बहुत शानदार लगी, और काफ़ी बुक से मैंने कंपेयर करके देखा अपने भौतिक भूगोल की सविंदर सिंह की बुक को और इसको, दोनों को पढ़ के देखोगे तो आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। बहुत ही शानदार तरीके से इसमें क्वेश्चनों को समझाया गया है डीपली। वैसे मेरे पास एक सेकंड बुक है, अजय कुमार सिंह की वैकल्पिक भूगोल, सभी दोस्त इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा परिचित है इस बुक में। और इस बुक में इतना डिफरेंस है, समझ अपने अजय कुमार सिंह की बुक है, इस बुक के अंदर चीज़ों को बहुत ज़्यादा शॉर्ट में दिया गया है, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको ज़्यादा रखा गया है, और जैसे कोई सिद्धांत वगैरह उनका डायरेक्ट नाम बताया गया है। लेकिन इस बुक के अंदर, क्योंकि ये बुक मैन IAS के लिए है, तो इस बुक के अंदर हर सिद्धांत का पूरा क्वालिफिकेशन किया गया है कि वो सिद्धांत क्या है। डायरेक्ट उसके राइटर के बारे में नहीं बताया गया कि वो सिद्धांत किसने दिया है, पूरा उसका डिटेल से समझाया गया है। तो मैंने बुक पढ़ी, बहुत अच्छी बुक लगी, बहुत सारे टॉपिक है वो क्लियर करती है UGC नेट के लिए, बहुत सारे एग्जामों के लिए। तो आप सभी दोस्तों को प्रेफर करूँगा कि इस बुक को बिल्कुल, आप अगर ज्योग्राफी लाइन में है, कोई कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं हाईलेवल कंपटीशन की, तो आपसे ये बुक आपके लिए बहुत शानदार रहेगी और आपको डीपली स्टडी के लिए भी बहुत अच्छी बुक है ये। तो सभी से आशा करता हूँ कि भूगोल के DR खुल्ले की बुक है, इसका रिव्यू आप सभी दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद।